जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरा YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। अभी हीरो का जो एक न्यू जूम स्कूटर आया है उसके बारे में हम लोग पूरा बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। जो जूम है देख सकते हैं, मैं आपको एक बार पूरा एंगल से दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। देख लीजिए, ये फ्रंट का लुक है, ये राइट व्यू का देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का आपको लुक वाइज में दिखेगा, जो कि पहले के अपेक्षा हीरो ने काफ़ी बेहतर ये निकाली है, देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले दोस्तों हम लोग फ्रंट का बात करते हैं, तो फ्रंट में कुछ इस प्रकार का आपको लुक दिखेगा। पहला यहाँ देख सकते हैं कि आपका एरोडायनेमिक लुक में है, आपका जो ईयर को काटती है, जो कि इस स्कूटर में काफ़ी बेहतर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। अगर उससे थोड़ा सा अगर आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए हीरो का एक 3D लोगो में दिया हुआ है, और उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों, जो काफ़ी बेहतर लुक वाइज में ये सिग्नेचर हेडलैम्प में आपको दिख रहा है। और लाइट की अगर बात करते हैं, इसमें प्रोजेक्टर लाइट मिलेगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार का आपका दिखेगा, जो देख सकते हैं आप लोग। अब इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं दोस्तों, तो देखिए हमारा है फेंडर, जो जूम का यहाँ पे स्टिकर भी लगा हुआ है, देख सकते हैं। और यह है रिफ्लेक्टर लाइट दोस्तों, देख सकते हैं। और यह है दोस्तों आपका सस्पेंशन दिया हुआ है, जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है दोस्तों। और उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको यहाँ डिस ब्रेक देखने को मिलेगा। डिस ब्रेक की बात करें दोस्तों तो ये 190 mm का होता है, कुछ इस प्रकार का दिखेगा। यहाँ पे वाइपरे का क्लिपर भी लगा हुआ है, देख सकते हैं, जो ब्रेकिंग के लिए सबसे बढ़िया होता है दोस्तों। अब मेन चीज जो टायर की बात करें दोस्तों, तो ये 90x90 का होता है, कुछ इस प्रकार का आपका दिखेगा, देख सकते हैं। इस टायर में आपका MRF का लगा हुआ है, जो कि सबसे बेस्ट होता है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस प्रकार का फ्रंट में दिखेगा। और सबसे मेन चीज़ दोस्तों, यहाँ पे कॉर्नर लाइट दिया हुआ है, कि जैसे आप राइट मुड़िएगा या लेफ्ट मुड़िएगा दोस्तों, तो ये लाइट आपका जलेगा, कुछ इस प्रकार का आपका दिखेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। इस प्रकार का आपका कुछ न्यू ग्राफिक्स में देखने के लिए मिलेगा। ये है आपका लेफ्ट प्रोफाइल, कुछ इस प्रकार का लेफ्ट में आपको दिखेगा, देख सकते हैं। तो अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ चार्जिंग का पॉइंट दिया हुआ है, चार्ज भी कर सकते हैं आप, है ना। उससे अब देखिए यहाँ पे आपका i3s का बैचिंग मिलेगा, जो इसको हम लोग आइडियल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम कहते हैं। अब इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका साइड स्टैंड लगने के लिए जगह दिया हुआ है, साइड स्टैंड इसमें लगेगा आपका। और सबसे जो मेन चीज होता है, देख सकते हैं, ये आपको काफी बेहतर दिया हुआ है। अब इससे ऊपर में आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये डिक्की खोलने के लिए है, और जूम का यहाँ पे आपका 3D लोगो में मिलेगा, जो कि ग्राफिक्स वाइज काफी बेहतर लगता है, कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। तो चलिए मैं आपको सीट खोल के भी बताता हूँ। सीट खोलने के लिए दोस्तों देखिए मैं की ले आया, देखिए की काफ़ी बेहतर दिया हुआ है हीरो का। आप यहां से आप इसको ओपन कर सकते हैं, जैसे ओपन करिएगा ये आवाज़ आएगा, इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये मेरा खुल गया। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें काफ़ी स्पेस दिया हुआ है, इसमें आपको मिलता है पॉकेट किस, देख सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ जो होता है ये DRL दिया हुआ है आपका लाइट, जो एक छोटा सा दिया हुआ है, ये जनरली रात में आपको दोस्तों ये काफ़ी बेहतर दिखेगा, देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का दिखेगा। यहाँ पे फुल टैंक का भी दिया हुआ है, फुल टैंक का 5 लीटर का आएगा आपका, देख सकते हैं। फुल टैंक का बात करें दोस्तों तो ये 5.2 लीटर का आता है, तो कुछ इस प्रकार का आपको ग्राफिक्स में दिखेगा। अब दोस्तों जो मेन का चीज़ है इंजन का, तो इंजन के बारे में चलिए बात करते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का आपका इसका इंजन दिखेगा। इंजन की बात करें दोस्तों तो एयर कूलेंट 4 स्ट्रोक SI इंजन के साथ में आता है, और CC की बात करें दोस्तों तो 110.9 CC का ये होता है दोस्तों। और BHP पावर का बात करें दोस्तों तो ये 8.05 BHP का होता है, और टॉर्क की बात करें दोस्तों तो 8.70 का होता है, कुछ इस प्रकार का आपका इंजन का ये दिखेगा।
और पीछे का सस्पेंशन की बात करें दोस्तों, तो ये स्प्रिंग हाइड्रोलिक लोडेड ये मिलेगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार का आपको सस्पेंशन दिखेगा दोस्तों, देख सकते हैं। रियर का बात करें दोस्तों तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, देख सकते हैं। रियर में सबसे पहला चीज़ तो देख सकते हैं ग्रैब व्हील जो यहाँ पे बिल्ड है, इसमें एसेसरीज में भी आपका आता है जिसमें आपका ग्रैब व्हील मिले देखने को मिलेगा। तो देखिए आप कुछ पकड़ने के लिए कुछ इस प्रकार का दिया है जो कि ये मेटल का है दोस्तों, जो काफ़ी बेहतर है। अब यहाँ पर भी आपका ए सिग्नेचर टेल लैम्प मिलेगा, देख सकते हैं। ये रिफ्लेक्टर लाइट है और ये आपका साइड इंडिकेटर हो गया, देख सकते हैं। कुछ रियर का इस प्रकार का दिखेगा, कुछ इस प्रकार का ग्राफिक्स में आपका दिखेगा। अब पीछे टायर की बात करें तो ये 80x100 का होता है जो कि ये ट्यूबलेस टायर के साथ में आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, कुछ डायमंड की तरह आपको दिखेगा इसका अलॉय रिंग जो कि लुक को काफ़ी बेहतर बढ़ाता है, देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार का देगा। और इससे अगर थोड़ा सा यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। अब दोस्तों राइट प्रोफाइल का बात करेंगे तो राइट प्रोफाइल में कुछ इस प्रकार का आपको ग्राफिक्स में दिखेगा, देख सकते हैं। सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पे आपका जूम का जो है बैचिंग है राइट साइड में भी आपको मिलेगा। और ये है हमारा साइलेंसर, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी स्पेस दिया हुआ है, इसको आमतौर का भाषा में आप लोग डिक्की का बोल सकते हैं। ओवरऑल की बात करें तो आपको लेंथ में अगर बात करें इस गाड़ी का तो 1881 mm को दिखेगा। और हाइट की बात करें दोस्तों तो ये आपका 1118 mm को देखने को मिलेगा। और व्हील बेस की बात करें तो ये 1300 mm को देखने को मिलेगा। सीट का अगर हाइट की बात करें तो ये 770 mm को देखने को मिलेगा। और जो मेन चीज़ होता है दोस्तों, ग्राउंड क्लियरेंस ये 155 mm को देखने को मिलेगा। और वेट की बात करें दोस्तों तो ये आपका 109 kg का मिलेगा। चलिए दोस्तों अब मीटर की बात करते हैं। तो मीटर में अगर आप देखते हैं तो ये पूरा डिजिटल मीटर के साथ में आता है। सबसे पहले आपका अगर मीटर में देखें तो इसमें आपको हीरो का जो लिखा हुआ है ये बैचिंग मिलेगा आपको, यानी हीरो का लोगो भी दिया हुआ है। चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए की दिया हुआ है, तो ये हम लोग की को ऑन किए तो देखिए कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। चलिए एक बार फिर से इसको ऑन ऑफ करते हैं जो कि आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर टाइमिंग का दिया हुआ है और इसमें देखिए फ्यूल मीटर का दिया हुआ है, अगर आपका फ्यूल कम रहेगा तो इसमें भी इंडिकेटर करेगा दोस्तों। और साथ में ये इंजन लाइट हुआ और ये आपका साइड इंडिकेटर का आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, देख सकते हैं। और थोड़ा सा अगर राइट में आते हैं तो राइट में देखिए i3s का आपको स्विच मिलेगा, इसको बोलते हैं दोस्तों आइडियल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम। और ये है हमारा सेल्फ। और अगर इधर आते हैं दोस्तों लेफ्ट साइड में तो ये हमारा पासिंग लाइट हो गया, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। और यह है हमारा साइड इंडिकेटर का, देख सकते हैं। और यह हुआ हमारा हॉर्न जो कि काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। मीटर में आपका ब्लूटूथ सिस्टम भी दिया हुआ है जिसमें आपका स्मार्टफोन से कनेक्ट भी हो जाएगा, जिसमें आपका SMS अलर्ट और कॉलिंग अलर्ट ये दोनों आएगा, इसमें नाम के साथ में भी शो करता है, कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। देखिए जैसे ये ऑन करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले हेलो माय हीरो, इसी में अगर कोई फ़ोन ऑन करते हैं तो इसमें आपका कनेक्ट हो जाता है, तो कुछ इस प्रकार को देखने को मिलेगा। चलिए अब इसको स्टार्ट करके भी देखते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ब्रेक दबाना होगा और सेल्फ लेना होगा, तो गाड़ी ये स्टार्ट हो गया, तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। और स्कूटी पूरा स्टार्ट कर दिए हैं, स्टार्ट करने के बाद देखते हैं कुछ किस प्रकार का दिखेगा, देख सकते हैं। इसका लाइट भी पूरा चेक कर रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार को आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये काफ़ी बेहतर लग रहा है लाइट में, ये देख सकते हैं आप। ये चारों एंगल से एक बार देख लेते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार का ग्राफिक्स में आपको देखने को मिलेगा। इसका आवाज़ सिस्टम भी सुन सकते हैं आप,
पूरा स्मूथ है दोस्तों। और ये है टेल लैंप, आपका देख सकते हैं पीछे का कुछ इस प्रकार का लुक में आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये है दोस्तों जूम, ये बहुत ही धमाल मचाने वाला है दोस्तों। आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।